welcome friends today we shall be talking about concentration cells what uh, these cells are before talking about that let me tell you the spontaneity or feasibility of a process so spontaneity or feasibility of a process or a reaction एक रिएक्शन तब स्पॉन्टेनियस uh, होती है जब उस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है फ्री एनर्जी चेंज एंड दैट नेगेटिव दिस इज फ्रॉम थर्मोडानेमिक्स यू नो इट वेरी वेल एक प्रोसेस या एक रिएक्शन तब स्पॉन्टेनियस हुआ करता है या फिजिबल हुआ करता है प्रोवाइडेड द फ्री एनर्जी चेंज इज लेस देन जीरो विच मीनस नेगेटिव नाउ यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट गैलवानिक सेल्स सो गेलवानिक सेल जो है वो तब बनेगी वंस वोडॉक्स रेक्शन स्पॉन्टेनियस गेलवानिक सेल जो है दैट विल फॉर्म ओनली प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड जो रोडॉक्स रिएक्शन होता है रोडॉक्स रिएक्शन एंड दैट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस रेक्शन मस्ट बी स्पॉन्टेनियस तब आपकी जो गैल्वानिक सेल है वो डेवलप होगी वो बनेगी अब स्पॉन्टेनियस कब होती है जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है अब डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा हमारे पास एक एक्सप्रेशन है दैट इज डेल्टा जी जो है दैट्स इक्वल टू माइनस एन एफ ई ई सेल अब यह जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि जो एन है दैट नंबर ऑफ मूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन it cannot be negative f is the faraday constant which is whose value is 96500 0, 0 coulombs which is not again negative so for delta g to be negative e cell jo hai e cell jo hai that must be positive matlab e cell ka value emf of cell jo hai uska value jo hai, that must be positive that must be greater than 0 तब जो है तब आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा जब आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा वेन पोटेंशियल इज पॉजिटिव तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी देन यू कैन डेवलप अ गैल्वानिक सेल सो दिस लीड्स टू द फिजिबिलिटी कंडीशन दैट मीन द ऑफ अ सेल और द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल दैट मस्ट बी पॉजिटिव ये हो गई एक बात दूसरी इज अ वेशन सेल विल स्विच ऑन टू कंसनट्रेशन सेल नाउ ये एक गैलवानिक सेल होती है दिस इज अ गैल्वानिक सेल इन विच इन विच एनोड एंड कैथोड इन विच एनोड एंड कैथोड इज मेड ऑफ सेम स्पीशी इज मेड ऑफ सेम स्पीशी बट देयर कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर Is anode और जो है कंसेंट्रेशन चेंज होती है दोनों की या फिर प्रेशर डिफरेंट होते हैं दोनों की इस वाले सेल को हम नाम देते हैं कंसेंट्रेशन सेल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है Suppose आपके पास एजी एजी प्लस इसकी कंसेंट्रेशन है सी वन सपोज एजी प्लस उसकी कंसेंट्रेशन है सी टू सपोज ए जी सो दिस इज अल रिप्रेजेंटेशन इन विच दिस इज एनोड क्योंकि लेफ्ट वाला एनोड हो, होता है वो राइट right वाला जो है दैट इज कैथोड अब एनोड जो है सिल्वर कपल है कैथोड भी सिल्वर कपल है मीनस दे आर सेम एनोड एंड कैथोड इज सेम बट कंसेंट्रेशन जो है

एच प्लस इसकी कंसेंट्रेशन सपोज सी टू सिंगल स्लैश एच टू इसका प्रेशर सपोज पी टू है अब देखिए ये है, this is anode, ये कपल है, है. वाला, कैथोड होता अब देखिए जो कपल कैथोड है वही कपल एनोड है रॉक्स दपल आर सेम एनोड एंड कैथोड इज सेम बट नाउ ईदर द कंसेंट्रेशन मस्ट बी डिफरेंट और प्रेशर मस्ट बी डिफरेंट ईदर

एजी प्लस ए जी कपल लिया अब ए जी प्लस जो है दिस कैन कम फ्रॉम एनी वे दिस कैन कम फ्रॉम ए जी सी एल और इट कैन कम फ्रॉम ए जी बी आर सो इट ड मैटर वेदर द ए प्लस कम्स फ्रॉम एजीसीएल और इट कम्स फ्रॉम ए जी बी आर स्टिल इज अ कंसंट्रेशन सेल स्टिल इट इट्स सेल बिकॉज कपल जो है कपल सेम है कपल क्या है ए जी एजी प्लस ए जी प्लस हैव कम फ्रॉम ए जी सी एल दिस ए जी प्लस

HCl एच सी एल उसकी कॉन्शनट्रेशन सी वन इसका प्रेशर है पी वन डबल स्लेशन इसकी कॉन्सनट्रेशन सी टू सिंगल स्च टू इसका प्रेशर है पी टू पी टी इज दिस ज आप बोलेंगे मुझे एनोड एंड कैथोड इज नॉट सेम यहाँ पे एच सी एल है यहां है, हाइड्रोजन साइनाइड है एनोड है रिएक्शन बिटवीन एच टू एंड एच प्लस सो हियर इट इज द कपल एक्चुअली एच टू ओबलिक एच प्लस सो एच प्लस रिमाइंड सिमिलर एच प्लस फ्राम एच सी एन एंड H2 is the gas here. So, reaction occurs between H plus and H2. Reaction occurs between H plus and H2. So, anode and cathode is same. Even if your H plus here comes from HCl and H plus here comes from HCN, it doesn't matter because the anions will be in the solution and the couple is H2H plus H plus H2. So, when the redox couples are same, when the anode and cathode is same and the concentrations are different, then the cell is referred to as concentration cell. This is important. Next, how do we find the पोटेंशियल ऑफ दीज सेल्स ई एम एफ सो हाउ डू यू फाइंड द ई एम एफ और अ सेल पोटेंशियल आपके पास एक सेल है सपोज ए जी ए जी प्लस सी वन कॉन्सेंट्रेशन ए जी प्लस सी टू कॉन्सेंट्रेशन ये आपकी

Potential जो है वो है वो डिपेंड करता पे जब कंसंट्रेशन चेंज होती है तो पोटेंशियल है सो ई टू इज डिफरेंट फ्रॉम ईवन मतलब देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस वन इज देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज द फ्लो ऑफ करंट मीन गेलवानी सेल प्रोड्यूस होगी शाबाश इसी सेल को हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन सेल अब अब इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे आप हमारे पास सिंपल से एक्सप्रेशन है इसके लिए दैट इज ई सेल जो है वो बराबर होता है माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाय एन लॉग ऑफ एनोड कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कैथोड कंसंट्रेशन वेरी सिंपल ये आप याद रखेंगे आई हैव इट्स प्रूफ आल्सो बट नो नीड टू गो विद दैट यू जस्ट रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन आप कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे हाउ डू वी फाइंड दिस एक्सप्रेशन इज अगर आप चाहेंगे तो यू कैन डू इट एट होम दैट इज आप पहले इसका पोटेंशियल निकालेंगे दैट विल कम ई ए फिर इसका पोटेंशियल निकालेंगे दैट विल ई सी मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड वो कैसे निकलेगा आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू दैट इज ई नॉट माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाई एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इसी तरीके से यहां से प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन फिर आप निकालेंगे टोटल में So you will get this e cell so e cell for this particular uh, uh, concentration cell is equal to minus 0 0.059 by n n is the number of electrons involved log of anode concentration by cathode concentration now apply this to this apply this to this half cell uh, to this concentration cell so we have e cell will be equal to minus 0 0.059 by 1 because in this particular case in this uh, concentration cell जो रिएक्शन है दैट इज एजी जो है एजी प्लस इट टेक्स वन इलेक्ट्रॉन टू गिव यू ए जी सो एजी प्लस इलेक्ट्रॉन टू गिव यू ए जी सो यू है एनोड लेफ्ट वाला होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सी वन राइट वाला जो कैथोड है उसकी सी वन बाई सी टू दैट मीन यू हैव सी वन बाई सी टू दिस इज द एम एफ ऑफ दर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन सेल्वर कपल नाउ नाव अब आपके, आपको पता है कि एक रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस तब होती है जब उस सेल का ई सेल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए सो फॉर ई सेल टू बी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव कब होगा पॉजिटिव देखिए ये यहां पर Log, अगर हम वन करेंगे तो लॉग वन इज जीरो सी वन एंड सी टू जो है सी वन बाई सी टू जो है पॉइंट मतलब, एट होना, होना चाहिए मतलब लेस देन वन होना चाहिए जब सी वन बाई सी टू का वैल्यू लेस देन वन होगा पॉइंट नाइन पॉइंट एट तब उसका लॉग जो होता है दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव वो वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव है जो फिर पॉजिटिव बनेंगे तो ई सेवल भी पॉजिटिव फिर से मैं बता रहा हूं कि फॉर ई सेल टू बी पॉजिटिव ई सेल कब पॉजिटिव होगा जब सी वन बाई सी जो है वह लेस देन होगा क्यों लेस देन वन होगा अगर वो होगा 0.9, 0.8, तब पॉइंट का जो उसका वैल्यू होता है दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव नेगेटिव वो negative logarithm वाला और ये वाला फार्मूला का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ई सेल विल बी पॉजिटिव विच इंप्लाइज सी टू यहां चढ़ेगा तो सी टू इज ग्रेटर देन सी इसका मतलब ये हुआ सी किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी It was the concentration of cathode and c one was the concentration of anode matlab cathode concentration must be greater than that of anode concentration tab aapka e cell have cell develop ho so we can get an important point that is cathode concentration cathode concentration must be greater than anode concentration. This is the take home message. This is an important expression or this is an important point you got here that is. एक सेल को वर्क करने के लिए एक कंसंट्रेशन सेल को वर्क करने के लिए काम करने के लिए डेवलप होने के लिए कैथोड कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए देन एनोड कंसंट्रेशन ये आप याद रखेंगे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो कैथोड कंसेंट्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन एनोड कंसेंट्रेशन वट इज एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या है ई की जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाई एन लॉग ऑफ एनोड कंसंट्रेशन बाई कैथोर कंसंट्रेशन एंड फॉर सेल टू वर्क कैथोर कंसंट्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन एनोड कंसंट्रेशन हम यहां पे एक प्रॉब्लम लेंगे देन वी प्रोसीड फर्दर क्वेश्चन हम लेंगे एक यहां आइडेंटिफाई वेदर सेल वर्स वेदर सेल वर्स एंड फाइंड ई एम एफ एंड फाइंड ई एम एफ आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेल वर्क करेगी कि नहीं और आपको ई एम एफ निकालना है सपोज सेल ये है ए जी ए जी प्लस इसकी है जीरो ए जी प्लस कंसंट्रेशन जीरो पॉइंट वन मोलर सिंगल स्लैश ए जी यह आपकी कंसनट्रेशन सेल है इसकी कंसंट्रेशन ने जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर विच मीन टेंट पावर माइनस टू मोलर इसकी कंसेंट पॉइंट वन डेट मीन्स टेंट पावर

माइनस वन टेन टू पावर माइनस वन सो इट्स इस माइनस टू एंड माइनस वन अब इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन लॉग ऑफ ये ऊपर चढ़ेगा तो ये टेन पावर वन बनेगा दो में से एक और टेंट पावर माइनस वन आएगा तो इट विल बी इक्वल टू ये वन यहाँ आएगा एंड माइनस माइनस विल बी प्लस को माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन लॉग ऑफ रेस फॉर एन इज एन लॉग एन गो माइनस वन लॉग टेन Uh, uh, log 10 is 1 so minus one got minus minus is plus so it will be equal to 0 0.059 volt and this is a positive potential and i told you earlier e cell will be positive so EMFA nikla, or apne direct but idea cell will form once you say cathode potential is greater than anode potential uh, cathode concentration is greater than anode concentration now before taking a uh,

लॉग ऑफ वहां पे था कैथोड कॉन्सेंट्रेशन बाय एनोड ये यहां पे भी वही है कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड एनोड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोड लेकिन यहां भी प्रेशर्स प्रेशर पहले पहले किसका लिखा आपने एनोड की कंसेंट्रेशन फिर कैथोड की कंसेंट्रेशन यहां भी प्रेशर पहले लिखना है कैथोड का मतलब प्रेशर ऑफ कैथोड डिवाइड बाई प्रेशनोड यह एक्सप्रेशन ऑफ याद रखेंगे एच प्लस पॉजिटिव तब आप ये लिखेंगे यहां पर भी वही यही था आप देख सकते हैं एनोड कॉन्सट्रेशन बाइथुरट्रेशन सेम है यहां पर कोई प्रेशर प्रेशर नहीं था स्पीशीज नहीं थी देर वॉज नो टॉक ऑफ प्रेशर एट ऑल सो माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाई एन वो सेम था

If जो है वो नेगेटिव है इफ आइन इजेटिव मतलब कैसे नेगेटिव होगा आइन आपका आपका जो आइन है वो कैसे नेगेटिव होगा आप देख सकते हैं यहां हम हम यह ये सेल लेंगे विल टेक दिस सेल यू हैव प्लेटिनम हियर सपोज आपका सीएल टू है स्लैश सीएल माइनस इसका कंसंट्रेशन सपोज सी वन है इसका प्रेशर सपोज पी वन है डबल स्लैश, इसका सपोज कंसंट्रेशन सपोज सी एल माइनस का दिस इज रॉक्स कपल couple, couple, वो सेम है तो कंसंट्रेशन सेल बनेगी अब अब आपको देखना है कि ऑक्सीडाइज होता है ये रिड्यूस होता है यहां पे लेकिन एन जो है वो आइन जो है वो नेगेटिव है अब ई e सेल किसके बराबर होगा वही 0.059 बाय n log ऑफ ये जो यहां पे क्या था एनोड कंसंट्रेशन बाय कैथोड कंसंट्रेशन कैथोड प्रेशर बाय एनोड प्रेशर इसको उल्टा करना है मतलब कैथोड कंसंट्रेशन बाय एनोड कंसंट्रेशन एनोड प्रेशर बाय कैथोड प्रेशर उल्टा करना है बिल्कुल उल्टा करना है सो वी विल डू इट लाइक दिस कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनोड मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ एनोड एनोड का प्रेशर ऊपर और कैथोड प्रेशर नीचे बिल्कुल उल्टा करना है सो दिस इज द एक्सप्रेशन यू विल यूज फॉर दिस पर्टिकुलर केस सो जब भी आपको स्पीशीज आएंगी तब आपका प्रेशर भी प्रेशर का जिक्र भी आएगा अगर आयन पॉजिटिव होगा तो नॉर्मल है एनोड बाय कैथोड एनोड कंसंट्रेशन बाय कैथोड कंसंट्रेशन और कैथोड नीचे आया तो कैथोड यहां पे प्रेशर ऊपर आएगा प्रेशर ऑफ कैथोड प्रेशर ऑफ एनोड अगर पॉजिटिव आयन होगा लाइक दिस

लेट्स अप्लाई फॉर हाइड्रोजन फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है एनोड की कॉन्सेंट्रेशन सी वन है ठीक सो लेट्स डू इट फॉर लेट्स फाइंड इट फॉर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सेल फर्स्ट सो वी हैव अ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सेल अगेन पी वन सी वन सी टू

लेफ्ट वाला तो सी वन कॉन्सेंट्रेशन है अब देखिए पहले बिफोर राइटिंग द आपको एक्सप्रेशन जरूरी लिखनी है इसकी इक्वेशन जरूरी लिखनी है तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है तो एच टू जो, तो जो है वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन टू बिकम एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ये दो आएंगे ये दो आएंगे अब देखिए आप जब आप कंसेंट्रेशन एच प्लस के लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं दो वो ऊपर चढ़ेगा तो इट बिकम्स सी वन कंसेंट्रेशन है लेकिन होल स्क्वायर आएगा बिकॉज हाउ मेनी मोल्स आर दियर टू मोल्स

ई सेल कब पॉजिटिव होगा ई सेल विल बी पॉजिटिव ओनली प्रोवाइडेड दिस इज लेस देन वन सो हम यहां भी लिखेंगे फॉर ई सेल टू बी पॉजिटिव इफ अगर पी वन बराबर होगा पी टू को मतलब सपोज प्रेशर इज सेम दिस विल कैंसल आउट तो सी वन बाई सी टू मस्ट बी लेस देन वन देन सी C2 बाय सी टू जो C1. ट डन जो हमने पहले बताई कि कैथोड कॉन्सेंट्रेशन मस्ट ऑलवेज भी ग्रेटरट्रेशन कैथोड कंसेंट्रेशन मस्ट भी अगर प्रेशर सेम होगा अब अगर प्रेशर डिफरेंट होगा इफ सी वन इज इक्वल टू सी टू अगर कंसेंट्रेशन ही अब सेम है प्रेशर आर डिफरेंट बट कंसेंट्रेशन इज सेम अगर कंसेंट्रेशन सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा ग्रेटर विच इम्प्लाइज पी टू जो है दैट शुड बी ग्रेटर सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है

लेकिन ये कब पॉसिबल है जब आपका जो कंसेंट्रेशन uh, सेल है दैट कंटेन्स अ पॉजिटिव आइन इफ कैश स्पीशीज आर देयर हम यहां पे एग्जांपल लिख लेंगे फॉर एग्जांपल पोटेंशियल बाद में निकालेंगे पहले आइडेंटिफाई कराएंगे आइडेंटिफाई वेदर सेल वर्क सेल कौन सी है प्लेटिनम एच टू वन एटमोसफियर स्लै एच प्लस एच प्लस स्लैश एच टू वन एटमोसफियर प्लेटन अब देखिए आपको बताना है क्या है, सेल वर्क करेगी कि नहीं आप देखिए पहले प्रेशर प्रेशर यहां पे भी वन एटमोसफियर यहां भी वन सो प्रेशर इज सेम सो व्हाट मैटर्स इज द कंसंट्रेशन सो कंसंट्रेशन जब जब प्रेशर सेम होता है जब प्रेशर सेम होता है तब आपका कंसंट्रेशन रेस्क्यू में आता है तो एनोड कैथोड कंसंट्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन एनोड कंसंट्रेशन अब कैथोड कंसंट्रेशन कितनी है 0.02 है यहां पे 0.01 है विच मींस कैथोड कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन एनोड कंसंट्रेशन हैन सेल वर्क्स मतलब ई e सेल जो है वो पॉजिटिव होगा ई सेल पॉजिटिव होगा फॉर दिस पर्टिकुलर सेल ई सेल विल बी पॉजिटिव यू कैन डायरेक्टली सी इट अब अगर ये सेम होगा अगर ये सेम होगा तब आपको प्रेशर देखना है उस वक्त आपको एनोड प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन कैथोड प्रेशर एंड व्हेन द आयन इज पॉजिटिव अब अगर आयन नेगेटिव होगा मतलब जो मैंने क्लोराइड का कपल बताया था आपको उसका भी देखेंगे नाउ वी हैव पी टी सी एल माइनस उसके कंसंट्रेशन सपोज है सी वन सी एल टू पी वन डबल स्लैश सी एल माइनस C2, Cl2, P2, एल अब EMF में सेल किसके बराबर था That was इक्वल टू minus जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाई एन लॉग ऑफ उसमें था एनओडोड बाई एनोड मीन C2 टू C1 का स्क्वायर एंड P1 वन P2. अब देखिए उल्टा होगा सब में फॉर ई सेल टू बी पॉजिटिव इफ अगर P1 बराबर होगा P2 को ये बराबर है देन c2 by c1 must be less than 1 which implies c1 must be greater than c2 so उल्टा है यहां पे मतलब एनोड कंसेंट्रेशन, मतलब ये कि जो एनोड कंसेंट्रेशन है दैट इज द एनोड कंसंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन कैथोड कंसेंट्रेशन। मतलब उल्टा है उल्टा

मेटेलिक कंसनट्रेशन सेल मतलब विदाउट गैस तब तब आपका जो पोटेंशियल है दैट इक्वल टू ई माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाय एन लॉग ऑफ एनोड कंसनट्रेशन बाय कैथोड कंसनट्रेशन और जो है फॉर दिस सेल टू बी पॉजिटिव कैथोड कंसंट्रेशन जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन एनोड ट्रेशन दिस इज वंस फॉर ऑल एक पॉइंट दूसरा दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे आप फॉर गैश कॉन्सेंट्रेशन सेल्स फॉर गैशस कॉन्सेंट्रेशन सेल्स पॉजिटिव आइन अगर होगा अगर पॉजिटिव आइन होगा तब मसलन ऐसे होगा प्लेटनम आपका है

पॉजिटिव होने के लिए अगर P1 बराबर है P2 टू देन कैथोड कंसेंट्रेशन जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन एनोड कंसंट्रेशन जो यहां पे था जो यहां पे था अब अगर कंसंट्रेशन ही सेम है तब एनोड प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन कैथोड प्रेशर ये आपको याद रखना है अब अगर आइन जो है वो नेगेटिव होगा तो आप इसका उल्टा करेंगे उल्टा मतलब एनोड कंसेंट्रेशन शुडरेशन और कैथोड प्रेशर प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन एनोड उसका उल्टा करना है जैसे आपने एक्सप्रेशन में भी उल्टा किया एक्सप्रेशन यही है लेकिन इसको उल्टा किया यहां पे भी उल्टा करना है दैट्स ऑल सो दिस इज हाउ यू आर बेसिकली डूइंग इट टू फाइंड द टू आइडेंटिफाई वेदर अ सेल वर्क्स और नॉट एंड फाइंडिंग पोटेंशियल हम यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ सपोज आपके पास एक सेल uh, है फाइंड ई सेल एंड आइडेंटिफाई वेदर सेल वर्क्स आपके पास है प्लैटिनम एच टू वन एटमोसफियर एच प्लस जीरो पॉइंट वन मोलर डबल स्लैश एच प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिंगल स्लैश एच टू वन एटमोसफियर प्लेटिन अब देखिए ये एक गैश कंसन सेल है प्रेशर यहाँ पे वन एटमोसफियर प्रेशर यहां पे भी वन एटमोसफियर सो दे आर सेम सो वट डिटर माइनस इज द कंसनट्रेशन अब जब पॉजिटिव आइन होता है तो कैथोड कंसंट्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन एनोड एनोड्रेशन अभी बताया मैंने आपको यहाँ जब पॉजिटिव एन होगा तो कैथोड एंड प्रेशर सेम होंगे तो कैथोड कंसंट्रेशन मस्ट एनोड कंसंट्रेशन आप देखिए आप कैथोड कंसंट्रेशन जो है वो कम है, so, e जो है zero, काम नहीं करेगी. अब कितना है अब पोटेंशियल आपको बताना कितना है तो यू यूज द एक्सप्रेशन सो ई सेल इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाई एन लॉग ऑफ एनोड कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कैथोड कंसनट्रेशन प्रेशर ऑफ कैथोड बाईर ठीक यहाँ की एक्सप्रेशन है अब अब देखिए आप जब इसके एक्सप्रेशन आप लिखेंगे, reduction लिखेंगे यहाँ प्लस विल गेम टू बिकम एच टू तो यहाँ पे दो आएगा यहाँ पे भी दो आएगा इसका मतलब हयर टू ठीक तो यहाँ पे लिखेंगे आप ई सेल विल बी माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन बाई टू लॉग ऑफ अब देखिए आप एनोड की कंसनट्रेशन कितनी है पॉइंट वन है लेकिन इसका मोल कितना है दो है पॉइंट वन का स्क्वायर आएगा सो इट विल बी ज़ीरो पॉइंट वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैथोड की कंसंट्रेशन कितनी है जीरो पॉइंट जीरो वन इसका भी स्क्वायर आएगा बिकॉज इसके दो मोल है यहाँ ज़ीरो पॉइंट जीरो वन का स्क्वायर और वन बाई वन बिकॉज प्रेशर इज वन बाई वन दैट्स इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाई टू लॉग ऑफ इसका स्क्वायर एक ही करेंगे हम तो ये लिखेंगे हम आ, या ऐसे करेंगे 1 by, 1 by 10 का स्क्वायर होल डिवाइड बाई वन बाई हंड्रेड का स्क्वायर ये आएगा बराबर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाई टू लॉग ऑफ ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा टेन ऊपर चढ़ेगा इट बिकम टू फॉर टू दैटलो दैट्स टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाई टू वो टू लॉक टेन आएगा मतलब टू आएगा लॉक टेन इज वन टू टू कैंसल इट बिकम्स माइनस जीरो पॉइंट इट बिकम्स माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वोल्ट एंड दिस इज द पोटेंशियल एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज़ नेगेटिव. इस तरीके से जो है आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं वन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम वी विल टेक हियर. क्वेश्चन हमारे पास है आपके पास ए जी है अब्लिक ए जी प्लस इसकी कम सन ये आया है फ्राम ए जी सी एल मतलब ए जी प्लस जो है इट कम्स फ्राम ए जी सी एल और इसका जो के एस पी आपका दिया हुआ है के एस पी हेज़ बिन गिवन एज टेन टू पावर माइनस सिक्स के एस पी इज द सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट डबल स्लैश ए जी ये ए जी आपका आया है फ्राम ए जी बी आर मतलब द साल्टज ए जी बी आर एंड इसकी इसका के एस पी आपका दिया हुआ है टू पावर माइनस एट स्लैश ए जी आपको बताना है पोटेंशियल कितना है फाइंड ई सेल आप लिखेंगे पहले एक्सप्रेशन सेल e किसके बराबर होता है माइनस जीरो पॉइंट जीरो क्योंकि ये metallic है इसमें करना है anode concentration cathode concentration. अब देखिए आप एनोड की कंसंट्रेशन मतलब Ag प्लस की कंसंट्रेशन कैथोड की एजी प्लस मतलब की कंसंट्रेशन अब आपको कंसंट्रेशन पता ही नहीं है सो व्हाट कैन यू राइट हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल आपको कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं फ्रॉम के एसपी वट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कंसनट्रेशन फ्रॉम के एस पी देखिये एजी सी एल जो है ये डिसोशिएट होता है ए जी सी एल जो है वो डिसोशिएट होता है हम यहाँ पे थोड़ा सा ये पहले हटाएंगे ताकि हमारा पेज जो है वो बच जाएगा अब अब देखिए आप आपको निकालना है कंसेंट्रेशन सो यू कैन यूज के सो के किसके बराबर होता है देखिए आपका एजीसीएल है ये डिस्ट्रोज्यूट होगा इनटू एजी प्लस एंड सीएल माइनस सो के होता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दैट्स एक्चुअली आयनिक प्रोडक्ट अंडर सैचुरेटेड कंडीशंस सो दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस जब हम पढ़ेंगे इनशाला आइनिक इक्विलिब्रियम तब इसकी बात आएगी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की और आइनिक प्रोडक्ट की फिलहाल आप याद रखिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ द आइन्स ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट प्रोडक्ट ऑफ आइन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट अंडर सेचुरेट कंडीशन सोल्यूशन इज सेचरेटेड तब ये बराबर आएगा सपोज इस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने एक्स रखी है इसकी भी एक्स रखेंगे क्योंकि अगर X है, अगर ए जी सेल एक्स मोल्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा ये भी एक्स हो जाएगा फॉर ए जी सी एल इज पावर माइनस सिक्स कॉन्सेंट्रेशन बी टेंट पावर माइनस थ्री दिस इम्प्लाइज ए जी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है फॉर एन रोड दैट इक्वल टू टेंथ पावर माइनस थ्री बोलर एक निकला आपको अब दूसरा निकालना है अब सिमिलरली एजी बी आर जो है वो ए जी प्लस और बी आर माइनस देता है आपका सब इसे कंसनट्रेशन है वाई तो ये भी वाई ये भी वाई आएगा तो के एस पी विल बीवल टू प्रोडक्ट ऑफ आइनस सो ए जी प्लस एंड बी आर माइनस सो दिस इज बी इक्वल टू वाई इन टू वाई सो दिस इज वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू के एस पी सो वाई विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एस पी अब के एस पी कितना है फॉर दिस दैट इज इक्वल टू टेंथ पावर माइनस एट पावर माइनस एट हम लिखेंगे यहाँ

टू पावर माइनस थ्री मोलर और इसकी कंसेंट्रेशन जो है आपकी minus 4 molar. अब बताइए ज्यादा कौन है सीधी सी बात सेल वॉन्ट वर्क सेल विल नॉट वर्क तो जब सेल वर्क नहीं करेगी सेल विल नॉट वर्क

concentration cells and how to find the emf and what are the conditions at which you can directly see that the cell will work or cell will not work provided e cell is positive i hope you understand this you can revise it many a times by shif shifting forward and backward to get it completely without any confusion and if you like my videos please do not hesitate to share and subscribe my channel thank you very much